हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना एक ट्रेड शेयर करने वाला हूं, जो कि हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बनाया था। अगर आप लोग इंडेक्स में फ्यूचर हेजिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको सभी एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलने वाला है कि कौन सी पुट बाय करनी है, कब फ्यूचर को एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जिट करना है, कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी है। सो बहुत ही एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशनल वीडियो ये होने वाली है, तो लास्ट तक आप जरूर से देखिएगा। अब अगर तो आपको ये नहीं पता है कि फ्यूचर्स हेजिंग क्या है, किस तरीके से हम अपने फ्यूचर्स को हेज करके ट्रेड बनाते हैं, तो ये वीडियोस आ रही हैं ऊपर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स होंगे, आप जाकर इन वीडियोस को पहले देखिए ताकि आपको हर एक चीज की समझ आ जाए। अब ट्रेड की हम थोड़ी सी बात करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड को बनाया था। टोटल डिप्लॉयड कैपिटल सिर्फ 60 से 70,000 थी, एंड अगर हम बात करें रिटर्न की तो अराउंड 16 से 17,000 का नेट हमें प्रॉफिट हुआ है। बट जैसा आपको पता है वो जरूरी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ये समझना है कि किस तरीके से ऐसा ट्रेड बनाया जाता है। आज ये ट्रेड हमने 2 लॉट्स में बनाया था। अगर यही 4 लॉट्स होते तो प्रॉफिट डबल हो जाता, 20 लॉट होते तो प्रॉफिट 10 गुना हो जाता। तो इसलिए मेरी कैपिटल अलग है, आपकी अलग है, और किसी की अलग हो सकती है, किसी की रिस्क एपेटाइट अलग हो सकती है। इसलिए प्रॉफिट को नहीं देखना है, सिर्फ टेक्निक को समझिए, प्रोसेस को सीखिए। अगर हम आरओआई की बात करें तो अराउंड हमने 20% से भी ऊपर का आरओआई निकाला है अपनी डिप्लॉयड कैपिटल पे। सो चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या सारा ट्रेड रहा हमारा, कौन सी एडजस्टमेंट्स हमने करी, कहाँ पे एंट्री करी, कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी थी, कौन सी नहीं करनी थी। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेड था जो कि लास्ट कुछ मंथ्स में बहुत ही ऐसा अच्छा ट्रेड था जिसमें सभी एस्पेक्ट्स थे। मतलब हमने एडजस्टमेंट भी करी, हमने ट्रेल भी किया, एक आधी एडजस्टमेंट हमारी खराब भी हुई, तो सब कुछ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि जब जब आप फ्यूचर्स हेजिंग करोगे तो आपके सामने भी लाइव मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलते हैं एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड सभी चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। तो 18 अगस्त को हमने इसमें एंट्री करी थी, एग्जिट हमने करा है इस ट्रेड में से 13 सितंबर को। तो ऑलमोस्ट एक महीना हमने इसको होल्ड किया है। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं मैं इसी तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, जहां पे कई बार मैं 2-2, 3-3 महीने या इससे भी ज्यादा फ्यूचर्स को होल्ड करता हूं हेज करके। और इस पूरे ट्रेड में अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट दिन थे इसके अलावा। सबसे पहला था फर्स्ट एडजस्टमेंट वाला, जो कि हमने 29 अगस्त को करी है। सेकंड एडजस्टमेंट हमने करी 8 सितंबर को, और थर्ड एडजस्टमेंट जो कि इंट्राडे की ही थी वो 11 सितंबर को हमने करी है। अब यहां पे आगे पूरा चलेंगे, ऐप में भी दिखाऊंगा, चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा, बट आगे बढ़ने से पहले अगेन एक बार मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट मैं आपको जो दिखा रहा हूं उससे एक्साइटमेंट में नहीं आना है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इनके लिए 16,000 बहुत ज्यादा होगा, कुछ होंगे जिनके लिए बिल्कुल छोटू सा अमाउंट होगा, तो वो नहीं देखना है, सिर्फ प्रोसेस सीखना है। क्योंकि आज हो सकता है आप 20 लॉट में पोजीशन बनाओ, 40 में बनाओ, तो आपका प्रॉफिट उस तरीके से वेरी करेगा। ठीक है, वो सब कुछ डिफरेंट है। ये पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, और ये ट्रेड भी बेसिकली मैंने उसी पर्पस से किया था कि हम हर चीज को देख सके कि किस तरीके से वो वर्क करती है। ठीक है, अब क्या करते हैं बेसिकली, एक बार मैं आपको चलता हूं एंजल वन में लेकर। अब यहां पे मैंने क्या किया है, 16th अगस्त से लेकर 14th सितंबर तक का सबसे पहले इसको डाटा निकाला है, एंड देन यहां पे फिल्टर में जाकर, सर्च में जाकर मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया, एंड ये सभी जो भी इसमें ट्रेड्स हैं इसको करके मैंने यहां पे डन किया है। क्योंकि बेसिकली मैं क्या है, बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, ज्यादा मतलब क्या करता ही नहीं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है मेरा, जो भी लाइक 15 के 15 ट्रेड्स आ रहे हैं, ये सभी इसी पर्टिकुलर ट्रेड के हैं। बीच में से कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ मार्जिन बेनिफिट्स के लिए, वो सब चीजें हैं, वो सब आपको बताऊंगा, बट ये इस तरीके से पूरा है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो रियलाइज्ड पीएनएल जो है वो 18,000 के आसपास का है, बट नेट जो पीएनएल है वो 16,500 का है, मतलब 1400 रुपीस के आसपास के चार्जेस हैं। इसकी बात करेंगे कि ये चार्जेस इतने ज्यादा क्यों हैं, क्या अगर आप ट्रेड बनाते हो फ्यूचर में तो आपको भी इतने चार्जेस लगेंगे। उसके अलावा एक चीज मैं इंटरेस्टिंग आपको दिखाना चाहता हूं बेसिकली, अगर आप देखोगे तो हमारा फ्यूचर का जो ट्रेड था, लाइक जो हमने फ्यूचर लॉन्ग किया निफ्टी बैंक का, उसमें से हमारा जो प्लस हुआ है वो 53,500 हुआ है, 53,000 मान लेते हैं, और जो हमने पुट बाय करी थी मतलब हेज करने के लिए उसको, उसमें से हमारा माइनस हुआ है 22,000 के आसपास का। तो मतलब इस तरीके से तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 31,000 के आसपास के बनना चाहिए था, बट हमारा प्रॉफिट बना है सिर्फ मतलब नेट देखें तो 16,500 का। तो ये क्यों, तो ये भी चीज समझेंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ये ट्रेड ना बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। अब एक्चुअल में तो आपके सिर्फ मतलब 2 ट्रेड्स होने चाहिए थे, एक फ्यूचर लॉन्ग का, एक पुट बाय का, और उसके बाद उसको दोनों को एग्जिट करने का। बट यहां पे हमारे जो 15 ट्रेड्स हैं ये क्यों है, ये किस चीज के हैं, ये सभी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको जो चीज बता दी कि अगर आप नॉर्मल ट्रेड बनाते हो बेसिकली, मतलब अगर आप देखोगे तो हमने जो फ्यूचर लॉन्ग किया था ना वो हमने किया था 44,196 पे, और एग्जिट किया है अराउंड 46,000 के आसपास, तो मतलब 1800 पॉइंट के आसपास की हमने मूव कैप्चर करी है। और जो पुट है उसको हमने बाय किया था 839 पे, और वो एग्जिट हुई है हमारी 100 रुपए पे। तो अगर आपने सिंपल सा ये ट्रेड बनाया होता तो आपको 30,000 से ऊपर का प्रॉफिट होता,
मार्जिन आपका लगा होता भाई 60-70 हजार का, तो मतलब 50% का प्रॉफिट लेकर निकलते अपनी डिप्लॉयड कैपिटल पे। तो ये उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा ट्रेड बनाया। और मैंने आपको सजेस्ट भी यही किया था कि आपको ऐसे ही बनाना है, शुरू में एडजस्टमेंट वगैरह वाले सीन में नहीं पड़ना है, क्योंकि उसमें फिर यही होगा कि आपका जो पूरा प्रॉफिट है कई बार वो जा भी सकता है। ठीक है, तो मैं तो देखो इसको करता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए 16,000 भी बहुत है, मतलब 60,000 लगाकर अगर मेरा एक महीने में 16,500 बन रहा है तो मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बाकी ट्रेड्स भी चल रहे हैं, बाकी ऑप्शन सेलिंग भी चल रही है, स्टॉक्स में भी फ्यूचर हेजिंग चल रही है, तो इसमें से इतना निकल गया तो क्या ही बुरा है। ठीक है, बाकी कैपिटल हमारी लगी हुई है ना काम में, तो इसलिए इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, जिसको इसमें कुछ जांच पड़ताल करनी है कर सकता है, देख सकता है कुछ एडिट वगैरह तो नहीं है। अब चलते हैं सबसे पहले बेसिकली एंट्री देख लेते हैं, जो कि हमने 18th अगस्त को करी है। एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना मैंने सभी स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। तो 18th अगस्त को हम चलते हैं एंट्री। अगर आप देखोगे तो ये तो मैंने एंजल वन से ले रखा है और ये है उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब इसमें अगर आप टाइम देखोगे तो 10:02 के आसपास किया है हमने, 10:03 पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ है ऑर्डर बेसिकली, और दो लोट है हमारे पास। ठीक है, मतलब 30 क्वांटिटी। तो एक बार चलते हैं देखते हैं कि 18 अगस्त के आसपास था क्या। अब 18 अगस्त बेसिकली थी ये तारीख। अब ट्रेड वाले दिन पे लेकर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप देता हूं कि मैं क्या लेकर चल रहा था, क्या सोचकर चल रहा था। बेसिकली 2023 मार्च में बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड शुरू हुआ था, जिसमें ना इसने कोई भी एक ढंग की रिट्रेसमेंट करी नहीं थी। एक बार यहाँ पे नीचे आया नहीं था, मतलब थोड़ा सा नीचे आया था और उसमें भी लाइक टाइम वाइज खड़ा हो गया, एंड प्राइस इसने तोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब आप देखोगे 23% का भी प्राइस ने इसने जो है वो लाइक किया, रिट्रेसमेंट किया। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग तो थी, हो सकता है वो कुछ टाइम बाद आती। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करके निकल गया, उसका जब ये यहाँ पे वापस आया तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एरिया था जहां पे इसने बेसिकली फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट करी थी। ठीक है, 23% से नीचे आया, तो जब भी इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चला होता है तो मैंने ज्यादातर टाइम में यही नोटिस करा है कि वो कहीं ना कहीं 38% की ट्रेसमेंट के आसपास आता है, एंड देन वहीं से दोबारा ऊपर चला जाता है। और वैसे भी बेसिकली ये आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का एरिया था। तो यहाँ पे मार्केट 38% के आसपास ऑलरेडी आ चुकी थी अराउंड 16th अगस्त को, और ये अगर आप 18th अगस्त देखोगे तो ये है 43,700-750 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही थी। अब जो 38% की रिट्रेसमेंट थी वो आ रही थी 43,400 पे, मतलब 300 पॉइंट, 1% से भी कम। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बचते हैं, एक तो है कि आप वहां तक आने का वेट करो, और दूसरा है कि आप यहीं पे हैज बना लो और वेट करो कि यहाँ तो एक बार नीचे आ जाए या फिर यहीं से ऊपर चलने लग पड़े। बिकॉज अगर आप यहीं पे क्रिएट कर लेते हो तो अगर यहाँ से नीचे आ भी गया लाइक 43,400 तक आ भी गया, वहां पे एक दो दिन रुक भी गया, तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपने हैज किया हुआ है। आपको हार्डली मतलब एक लोट में भी अगर आप पोजीशन बनाते हो ना, तो अगर यहां से 300 पॉइंट नीचे आती भी मार्केट तो मेरे को हार्डली 1,500-2,000 का लॉस दिखता, तो उतना मैं ले सकता हूं। तो इसलिए मैंने यहीं पे पोजीशन बना ली। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई प्राइस कंफर्मेशन नहीं थी, क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा था, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे कोई ऐसा रिवर्सल का साइन नहीं था। सिर्फ दो चीजें थी, पहला कि 38% की रिट्रेसमेंट के आसपास आ चुका है, पुरानी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का एरिया है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि सपोर्ट मिल सकती है। और यही मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप इंडेक्स में क्रिएट कर रहे हो ना इस हेज को, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि यार ये जो पर्टिकुलर चीज हो रही है, लाइक अगर मान लेते कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था, स्टॉक नहीं बेसिकली इंडेक्स ऊपर जा रहा था और अब वो नीचे आना शुरू हुआ, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो जो उसकी करेक्शन है वो कितनी हो चुकी है। अगर 70-80% तक करेक्शन हो चुकी है तो आप उसमें एंटर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ना वहां से या तो वो दोबारा पूरी अपनी करेक्शन कर लेगा, लाइक अगर आपको वहां पे चार्ट में दिख रहा है कि 1,000 पॉइंट गिर सकता है और 800-900 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, तो ना बॉटम ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वहां पे। वहां पे आप हैज करके एंटर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहां पे मान लेते हैं उसने सपोर्ट नहीं दी, जैसे मान लेते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ना लेती और एक दो दिन रुकने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाती, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, मैं निकल जाता, हार्डली 3,000-5,000 का लॉस होता, इससे ज्यादा लॉस नहीं होता, दो लॉट में मेरी पोजीशन थी। बट वही देखो, अगर यहाँ से ट्रेंड मिल गया ऊपर का तो जीवन सुखी है ना। तो वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडेक्स में जब आप स्पेशली क्रिएट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े से अपने डायनेमिक्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स में अगर आप कन्फर्मेशन का वेट करोगे ना कि प्राइस कन्फर्मेशन आएगी और जब मार्केट में प्रॉपर ऊपर की चाल बनेगी तो मैं तब क्रिएट करूंगा, तो फिर आपको थोड़ा प्राइस ऊपर का मिलेगा और इंडेक्स में उतनी मूवमेंट आती भी नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो हमने बेसिकली जो मूवमेंट कैप्चर करी है ना यहाँ से लेकर 46,000 के आसपास तक की करी है, तो अगर आप देखोगे बेसिकली ये मतलब हार्डली 4-4.5% की मूव कैप्चर करी है। तो कंफर्मेशन आने तक अगर मैं वेट करता, मतलब इस ब्रेकआउट के आसपास एंटर करता, तो मेरे को हार्डली 1.5-2% की मूव मिलती। तो जब आप हेज करके 1.5-2% की मूव लोगे तो नेट आपको कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इंडेक्स में जब आप बनाने वाले हो तो इस तरीके से सोचना है। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 100 की मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं आ रही थी, तो ये एक बहुत ना मेजर सपोर्ट होती है इंडेक्स के लिए स्पेशली। अगर इंडेक्स अप ट्रेंड में है तो जनरली 100 की मूविंग एवरेज के आसपास आकर एक मेजर सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये भी एक था, मूविंग एवरेजेस, रिट्रेसमेंट्स, सिंपल सपोर्ट्स रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन, ये सिंपल सी कुछ चीजें जिनको मैं यूज करता हूँ, एंड साथ में अपना हैज कर लेता हूँ कि इन केस अगर ये चीज वर्क नहीं करेगी तो फिर
छोटा सा लॉस लेकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं था जिस वजह से हमने इसमें एंटर किया था। स्टॉक्स के चार्ट थे लाइक HDFC बैंक, SBI वगैरह, उनके चार्ट जब मैं देख रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट एरिया पे थे। ठीक है, अब उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। 18 अगस्त के आसपास आप देखोगे तो सभी मेजर बैंक्स जो थे वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट एरिया के आसपास थे, तो वो भी एक कंफर्मेशन थी कि यहाँ से ज्यादा नीचे शायद बैंक निफ्टी नहीं जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं एक बार दोबारा इस पे। तो ये हमारा बेसिकली ट्रेड हो गया। आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा कि हमने कहाँ पे एंटर किया, कैसे किया। ठीक है, एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो 18 अगस्त को मैंने जो एंटर करा है वो सितंबर के एक्सपायरी में करा है। एक्चुअल में अगस्त की जो एक्सपायरी थी वो अराउंड हमारी 31 या 30 अगस्त के आसपास थी। तो मतलब अगर मैं अगस्त एक्सपायरी में यहाँ पे बनाता तो भी मेरे पास 12 दिन होते, बट मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैंने ये नोटिस करा है कि इंडेक्स के लिए 10-12 दिन कुछ नहीं होते। आप देखोगे इसने 10-12 दिन ऑलमोस्ट साइडवेज होकर बिता दिए सारे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18 अगस्त के बाद मतलब एक 3-4 दिन बाद ऊपर गया, लेकिन 31 अगस्त को अगर आप देखोगे तो दोबारा उसी रेट के आसपास था। अगर मैंने अगस्त एक्सपायरी में बनाया होता तो कहीं ना कहीं मैं इसको लॉस में लेकर निकलता, बट सितंबर में बनाया था इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकला। तो इंडेक्स में ये 2-3 बातें याद रखनी है सिर्फ। सबसे पहला, कंफर्मेशन का ज्यादा वेट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऐसी जगह पे आ चुका है जहां से आज नहीं तो कल नहीं तो एक हफ्ते के बाद रिवर्स कर जाएगा, बना सकते हो आप। दूसरी चीज कि आपको एक्सपायरी थोड़ी दूर की चूज करनी है, क्योंकि इंडेक्स में मूव जनरली स्लो आता है, तो इसलिए अगर आप बिल्कुल पास की एक्सपायरी लोगे तो फंस जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। अब चलते हैं सबसे पहला दिन जो कि इंपॉर्टेंट दिन था एडजस्टमेंट वाला, 29 अगस्त का। ठीक है, एक बार देखते हैं 29 अगस्त बेसिकली कहां पे थी। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई ऐसा एकदम से फास्ट मोमेंटम वाला मूव आ जाता है तो आप वहां पे कॉल सेल करके, वीकली वाली कॉल सेल करके एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब हमें वो बेसिकली फास्ट वाला मूवमेंट मिल गया यहीं पे 23-24 अगस्त को ही, बट इस जगह पे मैं ना कॉल सेल नहीं कर पाया। आप देखोगे तो 44,900 के आसपास तक मार्केट गई है, मतलब हमने एंट्री करी थी अराउंड 43,800-900 के आसपास, मार्केट वहां से 1,000 पॉइंट ऊपर जा चुकी थी, बट स्टिल मैंने यहाँ पे कॉल सेल नहीं करी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि ये ब्रेकआउट हो चुका है अभी। लाइक ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह आ रही थी ना, तो मेरे को लग रहा था कि ये ब्रेकआउट हो चुका है अब और यहाँ से मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने कॉल सेल करने से यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया कि कहीं मैं कॉल सेल करके फंस ना जाऊं। बट ये एक बार नीचे आ गया तो ये मेरे से एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जो कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर सकते थे। बट जब ये दूसरी बार यहाँ पे आया ना, तो अब मेरे को आइडिया हो चुका था कि अभी फिलहाल इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से जब वो यहाँ पे लाइक रिजेक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा टाइम यहाँ पे रुकेगा। तो फिर जब ये यहाँ पे दूसरी बार गया 29 अगस्त के आसपास, तो यहाँ पे मैंने कॉल सेल करी है। एक बार चलते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं 29 अगस्त की, बेसिकली ये है। ठीक है, तो 44,800 की हमने कॉल सेल करी है सितंबर 7 वाली, मतलब वीकली वाली कॉल हमने सेल करी, और ये प्राइस जो हमने सेल करा वो करा लाइक 196 के आसपास पे, मतलब प्रीमियम जो था वो 196 चल रहा था। क्वांटिटी सेम 30 क्वांटिटी हमने सेल करी। एंड अब इसको अगर आप देखोगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट भी एक बार दिखा देता हूँ, ये हमने 2:16 पे किया, मतलब 2:16 पे करा है। और यह मैं अगर आपको दिखाऊं 2:16 पे बेसिकली हुआ क्या था, तो ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो इसका पैटर्न है ना कहीं इसमें से इसने ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया कुछ इस तरीके का, इसका बेसिकली पैटर्न था। तो यहाँ पे इसने 2:16 पे यहाँ से ब्रेक डाउन सा किया था, तो ब्रेक डाउन किया था तो मेरे को भी एक आइडिया था कि थोड़ा सा हो सकता है रुक जाए, नहीं तो मतलब 1-2-3 दिन रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं हम उसको लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी चल रही थी मार्केट 44,500 पे। अब ये जो आपने कॉल सेल करी है ना, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखना है कि 44,800 की आपने कॉल सेल करी है और 200 रुपए पे करी है, मतलब आप सेफ हो जब तक मार्केट 45,000 से नीचे है। मान लेते हैं 7 सितंबर को बैंक निफ्टी 45,000 पे जाकर एक्सपायर हो जाती, तो इस कॉल की वैल्यू क्या होती? 200 रुपए, तो आपको कुछ लॉस ना होता, उल्टा आपका फ्यूचर वहां से आपको प्रॉफिट देगा होता। बट इन केस अगले 2-3-4 दिन मार्केट साइडवेज हो जाती तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा कवर हो जाता जो भी लॉस था। और अगले दिन ऐसा हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर ओपन हुई बट जाते जाते नीचे आ गई, तो उसी दिन अगले ही दिन मैंने इसको कवर भी कर लिया। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमने कवर करी है, हालांकि मैंने थोड़ी जल्दी कर ली, लाइक 154 पे जब चल रही थी तो ही मैंने कर ली। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मैं दिखाऊं, दोपहर के 3 बजे, ठीक है, तो दोपहर के 3 बजे हुए थे, तो ये कैंडल थी बेसिकली, इस कैंडल के आसपास मैंने कवर कर लिया, 150 रुपीज के आसपास चल रही थी। और इस पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाली है बेसिकली। आप देखोगे 44,800 की ये कॉल है, 196 के आसपास सेल करी, 154 के आसपास कवर करी, तो 1,200 रुपए के आसपास बचा। ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट है ना बेसिकली, इसमें आप देखोगे 1,200 रुपए अब हमें बचा है। अब इससे अगर आपका लॉस कवर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आपके जो चार्जेस वगैरह है ना वो निकल जाएंगे, मतलब जो भी ट्रेड में आपको 200-300-400 रुपए लगे हैं ना, आप वो चीजें निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्यूचर में जब हम ट्रेड करते हैं चार्जेस बहुत ज्यादा है, 100-150 रुपए लगता है पर लोड का, तो उस तरीके से आप चार्जेस निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको करना है, अदरवाइज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, नॉर्मल ट्रेड बनाकर बैठ जाओ, पूरा अच्छे से आपको प्रॉफिट दे देगा, ये एडजस्टमेंट्स वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका व्यू अच्छा है ना तो
आपको नॉर्मल ट्रेड ही प्रॉफिट दे देगा, और शुरू में आपको ट्राई भी वही करना है, शुरू में ज्यादा एडजस्टमेंट्स के पंगे में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये हो गया, अब दूसरी चीज देखते हैं, सेकंड एडजस्टमेंट जो हमने करी 8 सितंबर को। अब बेसिकली यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट अगले कुछ दिन खड़ी रही, तो मैं इस जगह पे ना पैनिक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए दूर की एक्सपायरी में पोजीशन बनाई होती है जब मैं इंडेक्स में काम करता हूँ, ताकि मेरे को टाइम मिले थोड़ा, क्योंकि मेरे को भी पता है इंडेक्स थोड़ा रुक रुक के चलता है कई बार, ठीक है। और इंडेक्स में ये भी पता है कि एक ही दिन में 7-8% की मूव आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टॉक तो मान लिया कि 6 दिन रुका, उसका एक ही दिन में 7-8% चल जाएगा तो आपका सारा कवर हो जाएगा, बट इंडेक्स आपको पता है कि जब भी चलेगा 1-2-3% धीरे धीरे करके चलेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, इसने पूरी एक रेजिस्टेंस बनाई और इस जगह के आसपास कहीं ना कहीं इसने फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया यहाँ पे 7 सितंबर के आसपास, ठीक है। तो अब दूसरी एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं, बेसिकली ये हमारी है 8 सितंबर की एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं ना, तो ये वाली एडजस्टमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट मैंने करी है और यहीं से मैंने जो है थोड़ा सा रायता फैलाना शुरू किया इस ट्रेड में। ये भी सीखना है आपको, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, आप भी ये गलतियां कर सकते हो, ठीक है। मैं भी आज तक भी मैं करता हूं, कहीं ना कहीं कई बार होता है थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो चीजें होती हैं। वही चीजें सिखा रहा हूं कि ये चीजें नहीं करनी है अगर आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखोगे 45,600 की कॉल सेल करी है एक, और एक 45,500 की कॉल सेल करी है। कॉन्टैक्ट नोट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने 45,600 की करी थी अराउंड 1 बजे के आसपास। अब 1 बजे के आसपास मैं मार्केट आपको दिखाता हूं कहां पे थी, 8 सितंबर को अगर आप देखोगे तो 1 बजे मार्केट थी यहां पे 45,100-200 के आसपास। तो मतलब 400 पॉइंट दूर की है, 500 पॉइंट दूर की कॉल सेल करी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब ठीक है, 400-500 पॉइंट दूर की आपने कॉल सेल कर दी। अब इस समय पे मेरा ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में था, मतलब अगर मेरे को याद हो एग्जैक्टली तो 6-7 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था मेरे को। 500 पॉइंट दूर अगर तक मार्केट जाती तो मेरा वो 6,000 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 12-13 हज़ार हो जाता, तो वो कॉल में से अगर मेरे को 1,000-2,000 का लॉस देना भी पड़ता तो कोई इतनी दिक्कत ना आती। तो यहाँ पे मैंने वो कॉल सेल करी, और उसके बाद अगर आप देखोगे और प्राइस भी मैंने 100 रुपए के आसपास करी थी, तो मतलब 45,700 तक सेफ था। अब हुआ क्या, ये 2:47 पे ये जो टाइम था ना, ये थोड़ा सा खराबी वाला हो गया, क्योंकि 2:47 के आसपास अगर आप देखोगे तो ये हुआ है, ये वाली कैंडल बनी। अब ये 15 मिनट के ऊपर ना ये कैंडल बनी, तो मेरे को था कि अब इतनी थोड़ी बड़ी अच्छी रेड कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा पोज ले सकती है। गिरने का तो देखो चांस मेरे को लग नहीं रहे थे, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था, लाइक ये काफी अच्छी खासी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई थी, तो गिरने के कोई इतने खासे चांस नहीं थे, लेकिन रुकने के चांस तो थे। और ये मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि मार्केट रुक सकती है, और वहां से थोड़ी सी नीचे भी आई मार्केट, और इस जगह पे मैं थोड़ा सा लालची हो गया, मेरे को लगा 45,500 के भी कॉल सेल कर देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवर हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था 6-7 हज़ार का ना, मैं उसको खोना भी नहीं चाहता था, कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट गिरे और मेरा प्रॉफिट सारे का सारा वो उठ जाए। तो इसलिए मैंने ये 45,500 की कॉल सेल करी, जो कि अराउंड हमने करी 102 के आसपास, 102 रुपए के आसपास, ठीक है। और यही कॉल जो है ना बाद में जाके मेरा पूरा ट्रेड खराब करने वाली थी, वो कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, अगले दिन मार्केट ऊपर खुली, ऊपर जानी शुरू हुई, और उसी दिन मार्केट क्लोज हुई 45,600 के आसपास 11 सितंबर को, ठीक है। बेसिकली अगले दिन नहीं खुली है, हाँ उसके बाद वीकेंड था, ठीक है। तो वीकेंड था, तो मेरे मन में ये भी लालच था कि वीकेंड है तो थीटा डीके भी मिल जाएगा, तो ये गलती थी, ठीक है। तो ये गलतियां जब आप भी दोहराने लगोगे आगे जाकर, तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि नहीं ये नहीं करना है। नॉर्मल ट्रेड अच्छा चल रहा है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, आपके पास फ्यूचर पड़ा हुआ है, तो बैठे रहो, ज्यादा पंगे नहीं लेने, बस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद बेसिकली अगर आप देखोगे, तो अब जब ये हो गया दिन हमारा 11 सितंबर वाला, अब यहाँ पे ना मेरे को थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि मार्केट ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं ये वाली कॉल्स अब मेरे को लॉस देना शुरू करेंगी, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो दिन था 11 सितंबर वाला, तो यहाँ पे मैंने फिर कोशिश करी कहीं ना कहीं इंट्राडे वाली एडजस्टमेंट करने की, और वो मैंने एडजस्टमेंट करी ये वाली। अगर आप देखोगे तो 45,400 की पुट सेल कर दी मैंने साथ, क्योंकि अब मेरे पास कॉल की क्वांटिटी तो पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्राडे में मेरे को ये ब्रेकआउट होता दिखा, तो यहाँ पे मैंने 45,400 की पुट साथ में सेल करी। और इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने इंट्राडे में किया, बेसिकली 150 पे सेल करी, 113 के आसपास कवर कर ली। कॉन्ट्रैक्ट नोट आप देख लो, अराउंड 2 बजे सेल करी है और 3:20 पे जो है एग्जिट भी कर दिए। 2 बजे आपको मैं दिखाऊं क्या था, देखो इसके आसपास जब ये ब्रेकआउट हो चुका था, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। मतलब हवा में कुछ सेल नहीं किया, ब्रेकआउट के बाद सेल करी, इंट्राडे के अंदर अंदर ही कुछ मिला तो उसको कवर कर लिया। एक बार मैं दिखाता हूं आपको, 45,400 की पुट है ना ये, एक बार एंजल वन में चलते हैं, 45,400 की पुट। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको भी हो सकती है समझने में, देखो ये है, तो 1,200 रुपए इसमें से बचे। अब अभी तक मेरी कंडीशन क्या थी, 1,200 रुपए मेरे को एक एडजस्टमेंट में बच चुके हैं, और 1,200 दूसरी में से बच चुके हैं, मतलब 2,400 रुपए मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। अब जो मैंने ये कॉल सेल कर रखी है 45,500 की और 45,600 की, अगर मेरी वो ब्रेक इवन के आसपास भी निकल जाती है, तो भी मेरा पूरा ट्रेड अब 10,000 से ऊपर के प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर भी बढ़ चुका है ना। मतलब फ्यूचर अगर आप देखोगे तो इस जगह के आसपास फ्यूचर ऑलरेडी 45,700 के आसपास आ चुका है, क्योंकि स्पॉट 45,600 पे चल रहा है, तो फ्यूचर ऑलरेडी मेरे हिसाब से 45,700-750 के आसपास चल रहा था, इससे ऊपर ही था थोड़ा सा, ठीक है। तो इस जगह पे मैं कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में था। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाती है, अगर ऊपर जानी शुरू होगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो कॉल है वो 2 लॉट बेच रखे हैं, मतलब 45,600 की जो बेच रखी है वो तो ठीक है,
बट 45,500 वाली जो बेच रखी है वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो बट चलो ठीक है, मार्केट चलनी शुरू हुई ऊपर, और कहीं ना कहीं अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे ना तो थोड़ी स्ट्रेच्ड थी मार्केट, RSI वाइज भी देखोगे थोड़े डाइवर्जेंस भी थे, तो मेरे को था कि ठीक है एक दो दिन में कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाएगी, पोज आ जाएगा, वो मेरी जो कॉल है वो कहीं ना कहीं वापस नीचे आ जाएगी, तो कोई इतना इशू आने नहीं वाला है। अब उसके बाद क्या हुआ वो दिखाता हूं। 12 सितंबर मार्केट ओपन हुई 45,800 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो एक्सपायरी थी वो मैं आपको एक बार दिखाऊं, दोबारा याद कराऊं, तो 13 सितंबर की एक्सपायरी है। ठीक है, तो अब 12 सितंबर को क्या किया मार्केट ने, मार्केट नीचे आई। ठीक है, मैं भी खुश, ठीक है भाई मार्केट नीचे आ गई है। उस दिन मार्केट क्लोज हुई है बेसिकली 45,480 के आसपास, तो ये मेरे लिए ना बहुत विन विन सिचुएशन थी कि 500 से नीचे है, 600 से भी नीचे है। अगर अगले दिन लाइक 13 सितंबर को भी मार्केट साइडवेज हो गई तो ये कॉल दोनों जो मैंने बेची हुई है, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं ये वाली 8 सितंबर वाली, तो ये दो कॉल जो मैंने बेची हुई है, 45,600 वाली और 45,500 वाली, ये दोनों जीरो होने वाली, मतलब 30 × 100 3,000 और 30 × 90 अराउंड 2,700, मतलब 3,000 और 2,700 5,000-6,000 का प्रॉफिट मेरे को और होने वाला है। तो ये लालच कहीं ना कहीं मेरे मन में आ गया इस समय, जो कि गलत था, क्लियरली गलत था। ये जो टाइम था ना, ये जब मार्केट गिरी अगले दिन अराउंड 13 सितंबर को 9:30 बजे, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं मेरे को 45,500 वाली पुट कॉल जो वो कवर करनी चाहिए थी, पर थोड़ा सा लालच मैंने किया, मैंने कवर नहीं करी, और इंट्राडे के अंदर अंदर ही ये भागनी शुरू हुई, और बस यहाँ पे फिर काम खराब होना मेरा शुरू हुआ। ठीक है, ये कॉल ने मेरे को लॉस देना शुरू किया। उस दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लोज हुई है ऊपर जाकर 45,900 के आसपास, और फिर मैं ना यहाँ पे रुका नहीं, मैं थोड़ा सा ना जिसको कहते हैं कि भावनाओं में बह गया, और फिर मैंने सोचा कि अब अगर मैं ये लोगों को समझा रहा हूँ ट्रेड कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो एक बार पूरा ही समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो पूरा समझाते समझाते हुआ क्या, अब अगर आप देखोगे ना तो इसके दौरान लाइक ये जो सभी ट्रेड्स हैं, 45,800 वाली कॉल, 45,000 वाली पुट, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 44,500 वाली पुट, उसके अलावा ये एक 29,000 माइनस हो रहा है 45,500 वाली कॉल में से, उसके अलावा अगर आप देखो तो 45,600 वाली पुट और 45,700 वाली पुट, ये पूरा जो है ना मैंने फैलाया रायता, मतलब इस दिन। और मेरे को ना देखो बताने में कोई शर्म नहीं है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीखो। ठीक है, मैं भी गलतियां करता हूँ, बहुत गलतियां करता हूँ, नेट सीखने वाली क्या बात है। अगर आप प्रॉफिट वाइज भी देखना चाहते हो, जो मर्जी होगा, जितना मर्जी मैंने रायता फैलाया, स्टिल 16-17,000 के प्रॉफिट के आसपास बुक किया है ना, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे थोड़ा कम हो गया, तो गलतियां हैं उससे हम सीखेंगे। बट मैं आपको वीडियो बनाकर इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आप ये गलती ना करो। ठीक है, मतलब जब ये मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जानी शुरू हुई है, तो जो भी आपके एडजस्टमेंट है ना, उसमें से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास फ्यूचर पड़ा है, वो आपको बचा देगा। बट इस दिन मैंने कहीं ना कहीं वो फॉलो नहीं किया, और मेरे को थोड़ा लग रहा था कि भाई नीचे आ जाएगी, बट वही बात है, मार्केट ओबलाइज करने के मूड में नहीं थी। तो इस पूरे दिन में मेरे से एक सबसे बड़ी गलती जो हुई वो ये हुई, जो मेरी 45,500 वाली कॉल थी जिसमें मेरे पास 30 क्वांटिटी थी, मैंने उसको ना ओवर सेल किया। मतलब देखोगे मेरे पास लाइक अराउंड थी, हमने 92 के आसपास सेल करी थी, शायद 92 या 100 रुपीस के आसपास, मैंने जब वो ऊपर जाने शुरू, मैंने उसको ओवर सेल किया, करता गया, और लास्ट में जाकर वो 423 रुपए पे कवर हुई है मेरी। ठीक है, और बिल्कुल एंड में हुई है, मतलब जिसको कहते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे जाकर कवर कराया मार्केट ने, और वो भी मार्केट ने करवाया कि भाई कर दे बेशरम, अब कर दे। और थोड़ा सा वहां पे मैं भावनाओं में बैठा, फिर मैं लास्ट में जाकर मैंने पूरा ट्रेड एग्जिट किया कि भाई छोड़ो 16,500 बच रहा है, करो एग्जिट इसको। ठीक है, तो ये एक बहुत जिसको कहते हैं ना मेजर मिस्टेक थी। अब ये 29,000 को आप निकाल दो, मान लेते हैं ये लॉस मैंने 4,000-5,000 का भी बुक कर लिया होता, तो भी ये जो मेरा 30,000 का लॉस प्रॉफिट था, ये कहीं ना कहीं 26,000-27,000 या 25,000 के आसपास आकर कवर हो जाता। बट सिर्फ एक ये गलती जिसमें मैंने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करी, कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस नहीं माना उस कॉल में, और उसको लेकर मैं बैठा रहा यही सोचकर कि चल आज तो एक्सपायरी है, थोड़ा बहुत भी नीचे अगर मार्केट आएगी 100-200 पॉइंट भी नीचे आ जाएगी अगर जाते जाते भी, तो मैं बच जाऊंगा। बट मार्केट मूड में नहीं थी उस दिन। ठीक है, सो ये एक गलती थी जो कि मैंने इस पूरे ट्रेड में करी है। अब इस बाकी जो मैंने करा है लाइक अब देखो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, 3,000 का भी एक प्रॉफिट है, 4,000 का भी एक प्रॉफिट है, ये सब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये सारा इंट्राडे का रायता है जो मैंने लाइक 13 सितंबर को फैलाया है पूरा। हम इसको ना डेट को चेंज करते हैं, 13 सितंबर करते हैं, और इसको करते हैं 13 सितंबर। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ अप्लाई। अब अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस दिन का जो मेरा प्रॉफिट है वो अराउंड 10,400 के आसपास का है। ठीक है, 13 सितंबर का, और इस दिन बाकी कोई ट्रेड नहीं था, और जो मैंने चार्जेस का आपको बात बताई थी, तो आप देखो 917 रुपए जो मेजर चार्जेस हैं वो आज ही के दिन है, क्योंकि सारा इंट्राडे का काम मैंने आज ही किया। देखो ये सभी ट्रेड्स मैंने ना इंट्राडे के उस दिन मारे, तो ये चार्जेस जो मेरे इतने ज्यादा लगे हैं ये उस दिन के कारण लगे हैं। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल ट्रेड बनाता, पहले दिन बनाया होता लाइक 18 अगस्त को बनाता, 13 सितंबर को एग्जिट करता, तो 300-400 रुपए चार्जेस लगते सिर्फ। बट ये इंट्राडे की जो एडजस्टमेंट थी, थोड़ा ओवर ट्रेडिंग थी, स्टॉप लॉस ना मानने वाली जो बात थी, उसने मेरे 900 रुपए के चार्जेस खाए हैं, और उस दिन का पूरा जो नेट फिर प्रॉफिट निकला है वो 10,400 का निकला है। इसके अलावा मैं अगर आपको 12 सितंबर का भी एक बार दिखाऊं, 12 सितंबर का अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों दिन थे जिस दिन हमारा ये सब कुछ हुआ है, तो 12 सितंबर का जो टोटल P&L था वो 3,700 के आसपास था,
और 13 सितंबर का जो है वो अराउंड 10,000 के आसपास का कुछ था। और पहले मिलाकर जो हमने कर लिया हुआ, लाइक जो एडजस्टमेंट्स हमने करी हुई थी, कवर करी हुई थी पहली, वो टोटल मिलाकर बेसिकली ये पूरा ट्रेड हो गया। अब ये दोनों दिन ना आप देखोगे बाकी कोई और ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं इसी ट्रेड में बिजी था, इन्हीं के एडजस्टमेंट कर रहा था, इन्हीं के पंगे ले रहा था। तो ये सारा कुछ हुआ है अब ये दो दिनों में। अब ये तो देखो मैंने आपको सारा समझा दिया, और मेरे को लगता नहीं है कि इतना रायता फैलाने के बाद ना कोई बंदा इस पे वीडियो भी बनाता। वो ये कहता कि यार ये मैंने इतनी गलतियां करी हैं, अगर मैं इसको पब्लिकली दिखाऊंगा तो लोग पता नहीं क्या मानेंगे कि ये ट्रेडर है भी या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ पे बात करते हैं एक बार। सो ये हमारा बेसिकली पूरा ट्रेड हो गया। अब आप इसको ना पूरा करके देख सकते हो, मेजर इसमें चीज़ें क्या है, दो इसमें एडजस्टमेंट्स हैं। कौन सी वाली? एक तो 29 अगस्त वाली और दूसरी हमारी ये इंट्राडे वाली। आप इन दोनों के प्रॉफिट को प्लस कर लो सबसे पहले, क्योंकि ये वो एडजस्टमेंट्स थी जो कि बिल्कुल स्मूथली हमारी निकल गई। एक तो इंट्राडे में निकल गई जिसमें मैं 1200 के आसपास बचा, और ये एक थी जो कि हमने 29 अगस्त को करी थी और वो हमारी अगले दिन निकल गई, 2400 हमने अंदर किया। ये जो दूसरी एडजस्टमेंट थी इसमें जो 45600 वाली थी ना वो भी ठीक थी, वो भी कहने के जाकर कवर हो जाती अच्छे से। सिर्फ 45500 वाली थी, वो भी खराब क्यों थी? वो खराब इसलिए हुई क्योंकि फ्यूचर तो हमारे पास पड़ा है 30 क्वांटिटी का और हमने कॉल बेच दी 90 क्वांटिटी, तो वो वहां पे गलत हुई। ठीक है, वो जो हम लाइक टेक्निक यूज कर रहे हैं ना उसमें कोई गलती नहीं है, वहां पे सिर्फ मेरी गलती थी। वहां पे मैंने कहा कि अपने डिसिप्लिन को तोड़ा है, वहां पे मेरी गलती हुई है। तो इसलिए अगर आप इस पूरी टेक्निक को यूज करते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इन केस अगर आप किसी एडजस्टमेंट में किसी दिन फंस भी जाते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये होगा कि आपका प्रॉफिट एक जगह पे जाके कैप हो जाएगा। ठीक है, जो आपका अनलिमिटेड हो सकता था, मतलब जितना ऊपर फ्यूचर जाता रहता उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता, वो ना होता क्योंकि आपने साथ में कॉल भी अब सेल कर दी हुई है। सिर्फ वो होता वर्स्ट से वर्स्ट केस। जो मेरे साथ हुआ है वो सिर्फ उसी केस में होगा जिस दिन आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा लोगे, जो आपने कॉल बेचे ना उसकी क्वांटिटी आप इंक्रीज कर दोगे। तो वो चीज नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले ये चीज सीख ली। दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि भाई ये जो तूने इतना, मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब गंद बचाया है इस ट्रेड में आगे जाकर, तो उससे सीखने को तो मिलता ही मिलता है, बट कहीं ना कहीं तेरे पे भी शक होता है। जैसे वो शक करने वाली बात है वो आप कर सकते हो, बट मैंने आपको जैसे बताया कि ये ट्रेड एक तो मोटिव उसी से बनाया गया था, अदरवाइज मैं दो लोट में काम नहीं करता हूँ। जब मैं इंडेक्स में करता हूँ जनरली मेरी क्वांटिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स आपको पता है जैसे मैंने बताया सेफर होता है, मतलब मूव के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं 5-6 लोट से ऊपर की पोजीशन में बनाता हूँ इंडेक्स में। बट ये ट्रेड एक तो मोटिव उससे बनाया गया था, दूसरा जब एक बार फिर रायता फैलना शुरू हुआ तो मैंने सोचा पूरा ही फैलाते हैं ताकि लोगों को हर पर्सपेक्टिव पता लग सके। सो आई होप आपको पता लग गया कि किस तरीके से जो हमारा 30,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो सकता था वो सिर्फ एक गलत एडजस्टमेंट के कारण 16,500 का रह गया। बट अब अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्या 16,500 भी बुरा है? मतलब 60-70,000 का इनिशियल मार्जिन लगा था, उसके बाद जो हमने एडजस्टमेंट्स करी वो मिलाकर भी अगर मैं देखूं तो 1.5-2 लाख के आसपास लगा था। स्टिल उसमें भी अगर आप देखोगे तो 10% के आसपास का प्रॉफिट या 20% के आसपास का प्रॉफिट एक महीने में मेरे हिसाब से तो किसी एंगल में बुरा नहीं है। अब इस पूरे ट्रेड को खत्म करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ गई हैं, एक बार इसको पूरे को देख सकते हो। और ये मैंने आपको दिन वाइज कर भी दिखा दिया जो लास्ट के दो दिन थे ये वाले, ठीक है, वो भी आपको समझ आ गया कि कैसे हुए। ये जो दो एडजस्टमेंट्स थी आप देखोगे 1175 की एक ये और 1200 रुपये की ये दो एडजस्टमेंट्स हैं हमारी, तो यहाँ तक ठीक चल रहा था। सिर्फ एक गंदी एडजस्टमेंट, पूरा ट्रेड खराब, और आई होप आपको उससे सीखने को मिला है। तो इसलिए अब आगे से जब भी आप ट्रेड बनाओगे ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और पूरा ट्रेड समराइज हमने कर दिया, चार्जेस पे एक बार आते हैं। ठीक है, अब चार्जेस की जो बात हमने करी, एक तो आपने देख लिया कि 900 रुपये के जो चार्जेस हैं वो सिर्फ लास्ट डे पे लगे हैं हमारे, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा इंट्राडे का काम किया है, थोड़ी ओवर ट्रेडिंग करी है। दूसरी चीज़ एक और है, अगर आप फ्यूचर का ट्रेड देखोगे तो उसमें हमारे जो टोटल चार्जेस लगे हैं वो 300 रुपये के लगे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई फ्यूचर के चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो भाई जब आप प्रॉफिट 30-30, 40-40% के खा रहे हो तो वहाँ पे 100 रुपये चार्जेस एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे भी 60 रुपये लगते ही है ना। आप देखोगे ये हमने ऑप्शन ट्रेड करी हुई है तो यहाँ पे भी 60-70 रुपये लगे हुए हैं, तो 60 में और 300 में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मतलब जब आप प्रॉफिट उतना ज़्यादा ले रहे हो, जब आप ऑप्शन लेते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट भी उतना ही ना होता है, लॉस पूरा आपका चला जाता है। यहाँ पे आप हैज करके पता है आपको कि लॉस भी उतना ही है, डिफाइंड लॉस है, कोई ज़्यादा लॉस होगा नहीं, जितना मर्जी गैप डाउन हो जाए, शॉर्ट किया हुआ है जितना मर्जी गैप अप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ें जब आप बेनिफिट ले रहे हो तो वहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे थोड़े से ज़्यादा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए। कोई सवाल रह गया है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप इस स्ट्रेटजी को समझना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, जाकर आप देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।